पिता चैव प्रमाता महाकादया एते भवन्तु मे प्रीता प्रयच्छन्तु च मङ्गला ॐ शमस्तु पितृभ्यो नमः तर्पयामि सूर्या। प्रणाम महाराज। तुम यहाँ क्या करे? तुम्हें तो मैंने महादेवी माया के साथ देवदा भेजा था। जी महाराज, पर देवदा पहुंचे उससे पहले ही लुम्बिनी वन में। लुम्बिनी वन में क्या हुआ सूर्या? लुम्बिनी वन में क्या हुआ? महादेवी ने शाह के कुल के युवराज को जन्म दिया है महाराज। क्या? जी जी महाराज। छोटे छोटे चरण उसके राजमहल में दौड़ेंगे, उसकी प्यारी किलकारी राजमहल में गूंजेगी। वो जो हंसेगा नगर हंसेगा, उसके साथ जग झूमेगा। कल का सूरज आज ही देखो अपने राज्य में चमकेगा। वह आएगा। हाँ, पहलिया मत बुझाओ जी, ये बताओ ना कौन आएगा। अपना युवराज आएगा। देवी बधाई हो, युवराज का जन्म हुआ है, महादेवी माया माँ बन गई है। ऐसा समाचार सुनाने से पहले मार क्यों ले गई? ये समाचार देकर तुमने बड़ा उपकार किया है मुझ पर सूर्या। मांगो सूर्या, हीरे मांगो, मोती मांगो, राज्य मांगो, आज मुझसे मेरा होना मांगो सूर्या, मांगो सूर्या। नहीं नहीं महाराज, मेरे घर भी पुत्र पैदा हुआ है। जिस तरह आपने जीवन भर मुझे सारथी बनाकर सेवा का अवसर दिया है, उसी प्रकार मेरे पुत्र चन्ना को भी युवराज का सारथी नियुक्त कर दे। बस महाराज। अवश्य ऐसा ही होगा महाराज। अभी तो धन अनुज अनुज मेरा वंश आ गया। हाँ महाराज, मेरा वंश आ गया। द्रोणोधन द्रोणोधन मेरा तर्पण करने वाला आ गया, मेरा तर्पण करने वाला आ गया, मेरा वंश आ गया, मेरा वंश आ गया, मेरा वंश आ गया। महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? महाराज मनुष्य निराशा के समाचार सुनकर इस प्रकार बैठ जाते हैं, परंतु ये तो प्रसन्नता का समाचार है। हाँ अनुज, इतने प्रसन्नता का समाचार है कि हृदय इसका भार सहन नहीं कर पा रहा है। अनुज, मैं महाराज शुद्धोदन और समस्त शाक्य कुल आप सब प्रजाजनों के आभारी हैं। आप सबकी शुभेच्छा, आशीर्वाद और प्रार्थना के लिए जो आप सब ने हमारे लिए की, वो इसी का फल है जो आज हमें ये दिन देखने का अवसर मिला। हमारे ललाट से निसंतान होने का दुर्भाग्य मिट गया। आज सारा कपिलवस्तु राज दरबार का अतिथि है,
राज्य में 3 दिन तक उत्सव होगा। हमारे लुम्बिनी वन जाने का प्रबंध कर, अभी क्षण भी युग की तरह लगता है, कैसे होगा वो? मेरे जैसा या माया जैसा? चलो अनुज। सुख जितना उतना ही दुख है, जितनी रातें उतनी भो। कहीं खुशी आनंद उल्लास है, कहीं है दुख की घटा घन घोर, कहीं है दुख की घटा घन घोर। छोटी महादेवी, लगता है हमें शीघ्र देवता पहुंच जाना चाहिए। देवता नहीं प्रजापति, मेरी इच्छा कपिलवस्तु जाने की है। ऐसा ही होगा दीदी, हम कपिलवस्तु ही जाएंगे। मैं सारा प्रबंध करके आती। नहीं प्रजापति, मैं अकेले कपिलवस्तु नहीं जाऊंगी। मैं कुछ समझी नहीं। मैं महाराज के साथ कपिलवस्तु जाऊंगी। महाराज? किंतु महाराज तो कपिलवस्तु के द्वार पर हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। समाचार मिलते ही वो कपिलवस्तु से निकल चुके होंगे। बधाई हो महारानी, बधाई हो। शुभ समाचार है, महाराज कुछ ही घड़ियों में लुम्बिनी पहुंचने वाले हैं। दीदी, तुम केवल महाराज की अर्धांगनी ही नहीं, उनके हृदय की गति और उनके मस्तिष्क की सोच भी हो। अब मेरा बखान करना छोड़ और महाराज के स्वागत की तैयारी कर। ठीक है, और कुछ? हाँ, इस बार तू 16 श्रृंगार करके महाराज के पास जाएगी, जिससे कि उनकी खुशी दुगनी हो जाए। ठीक है। महाराज को संतान के सौभाग्य की बधाई हो। अब इन औपचारिकताओं को छोड़ो और उस सत्य को दिखाओ जो इतने बरसों से मेरे सपनों में भेष बदल कर मुझे सताता रहा है। युवराज कहाँ है? महादेवी कहाँ है? रुकिए, कहते हैं घर पे संतान आने से पूरे घर की आयु छोटी हो जाती। आज हमें भी आपसे हट करने का मन हो रहा है। पहले उपहार दीजिए, फिर भीतर जाने देंगे। अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, केवल वचन के। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जब चाहो जो चाहो मांग लेना, मैं मना नहीं करूँगा। महादेवी को पुत्र की बधाई हो। कैसी हो मामा? अधूरी थी देव, पूरी हो गई, जन्म सफल हो गया। ये क्या प्रजापति, चंद्रमा आने की सूचना दी और बादल बिखेर दिए। ये चंद्रमा तो अब 30 दिन बाद ही दिखेगा देव, ऐसा शास्त्रों का निर्देश है। शास्त्रों का निर्देश में कभी समझ नहीं पाया देवी, कभी समझ नहीं पाया। तो मैं समझा देती हूँ देव। कहते हैं प्रसूति के बाद स्त्री दुर्बल हो जाती है और पुरुष मिलन के लिए आतुर, पति पत्नी को ना सताए और आने वाले संतान के साथ माँ का एक रिश्ता बने। इसलिए 30 दिनों तक माँ और संतान दोनों को अकेले ही रहना चाहिए, ऐसा वैदिक विज्ञान और ब्राह्मण दोनों ही कहते हैं। ठीक है, मैं उसे देख नहीं सकता, कम से कम उसे छू तो सकता हूँ। अवश्य। देख रहे हैं देव? ब्राह्मण हथेली देखकर रेखाएं पढ़ता है, वैश उंगलियां देखकर ये सोचता है कि टके गिन पाएगा कि नहीं, परंतु क्षत्रिय अपने बालक की कलाई देखता है प्रजापति। क्या
इन हथेली में तलवार थामने की शक्ति है या नहीं? आपका पुत्र है देव, सारे संसार को जीत ही लेगा। तथास्तु। तथास्तु।